हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमोडिटी मार्केट रेट, आज के जो भी अपडेट्स हैं नेचुरल गैस, कॉपर एज वेल एज गोल्ड ने किस तरह का मार्केट में परफॉर्मेंस दिया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में न्यूज़ एज वेल एज मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस हर कॉमोडिटी ने दिया है और पाम ऑयल का क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मार्केट में आया है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले 12 जुलाई 2021 गोल्ड की जो प्राइस है उसमें आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ना फिर कोई एक अच्छी खासी बढ़त देखने को नहीं मिली और ज़्यादा कुछ वॉलीटिलिटी भी आपको जो है वो आपको मार्केट में देखने को नहीं मिली। तो उसी के साथ में गोल्ड गिरी है, जुलाई फ्यूचर से वो 0.3% की गिरावट के साथ 38,205 के नियर बाय करंटली ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। और सिल्वर के अंदर भी सिर्फ 0.22% का डाउनवर्ड, दैट इज नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ 69,143 के आसपास इसने नियरली करंटली ट्रेड हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस के बारे में, तो जैसे जैसे जो डेल्टा वेरिएंट जो केसेस है जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ये जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अंदर भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। सो उसके कारण क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें भी आपको फ्यूचर्स जो है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। और उसी गिरावट के साथ 1.17% के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ 5489 के नियरली करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। एंड द थर्ड न्यूज़ इज पाम ऑयल प्राइसेस राइज इन इंडिया इवन आफ्टर इम्पोर्ट ड्यूटी का आपको रिडक्शन जरूर देखने को मिला, बट फिर भी पाम ऑयल की जो प्राइसेस है वो आपको मार्केट में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस की जो बात करूँ तो 1.6% की तेजी के साथ 280.2 के आसपास करंटली ट्रेड हो रहा है। और कॉपर के जुलाई फ्यूचर्स 0.72% की गिरावट के साथ 726.45 के नियरली ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। सो होप करता हूँ कि आपको 12 जुलाई 2021 मार्केट रेट आज की जो भी न्यूज़ है वो आपको अच्छे से समझ गई होगी और उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, कौन सी कॉमोडिटी के अंदर आपको कल ट्रेड करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।